दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज है 11 जुलाई 2021 रविवार। एक बार फिर से हम आपके लिए 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 विभागों के अंतर्गत बंपर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और सभी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आ चुकी है। 10वीं 12वीं डिग्री, डिप्लोमा और भी अन्य क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर निकला है। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। इनमें कुछ भर्तियाँ ऐसी भी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट इसमें टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, ड्राफ्टमैन, ड्राइवर, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ और फिटिंगमैन की। जहाँ दोस्तों वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बात अगर सैलरी की जाए तो टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के लिए 29,200 से 92,300 है, स्टेनो के लिए 25,500 से 81,100 है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 19,900 से 63,200, ड्राफ्टमैन के लिए 19,900 से 63,200, ड्राइवर के लिए 19,900 से 63,200, MTS के लिए 18,000 से 56,900, फिटिंगमैन के लिए यहाँ पर 18,000 से 56,900 है। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो 10वीं और 12वीं पास के लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है। 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट के आधार पे। ऑफलाइन तरीके से आपको आवेदन करना होगा। ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। indianarmy.gov.in ये इसके ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन परफॉर्मा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के एंड में भी दिया गया है और एड्रेस भी आप वहीं से चेक कर सकते हो जिस पर आपको आवेदन फॉर्म सेंड करना होगा। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 24 जुलाई 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, बिजली विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस की 127 वैकेंसीज है। सेली ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 है, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 है। बात अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। बिजली विभाग रूल के अकॉर्डिंग ही आयु सीमा तय की जाएगी। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन भी मेरिट से होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। CG छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। CSPDCL.CO.IN या फिर MHRDNuts.gov.in पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 जुलाई 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी के अंतर्गत ये भर्ती है। जूनियर एयरक्राफ्ट मैकेनिक, एयरक्राफ्ट हेल्पर की पोस्ट है। वेरियस पद खाली है। सैलरी आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 45 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन बिना एग्जाम के होगा। एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के आधार पे ईमेल के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। IGRUA.gov.in पोर्टल से आप बाकी की जानकारी चेक कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 23 जुलाई 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है सब इंस्पेक्टर या प्लाटून कमांडर की। वेरियस पद खाली है। 26,500 सैलरी पर मंथ के लिए है। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 25 वर्ष आयु सीमा है। राजस्थान जनरल डोमिसाइल के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क है। SC ST राजस्थान डोमिसाइल्स के लिए यहाँ पर 350 है। जनरल एनुअल इनकम है जिनकी यहाँ पर 2.5 लाख से कम उनके लिए 350 है। पेमेंट आप कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और इमित्रा से। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे। फिजिकल की अगर बात की जाए तो हाइट मेल के लिए 168 सेंटीमीटर है जबकि फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। चेस्ट ओनली मेल के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर है और वेट मिनिमम यहाँ पर फीमेल के लिए 47.5 किलोग्राम है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। police.rajasthan.gov.in या फिर SSO.rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है।
जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 14 जुलाई 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है जेल बोर्ड में। पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट सेफ्टी एंड एनवायरमेंट एडिटिंग ऑडिटिंग स्पेशलिस्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर सीनियर लैंडस्केप आर्किटेक्ट वाटर एक्सपर्ट अर्बन प्लानर की। वैरिस पद खाली है। 1 लाख रुपये पर मंथ के लिए सैलरी है। डिग्री पीजी डिग्री बी बी टेक एम ई एम टेक से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 45 वर्ष आयु सीमा है। फीस की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पर। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। दिल्ली जल बोर्ड .nic.in पोर्टल से आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 30 जुलाई 2021 है। एप्लीकेशन परफॉर्मा और ऑफिशियल एड्रेस आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF से ही चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय के अंतर्गत कोर्ट मास्टर और पर्सनल सेक्रेटरीज की यहाँ पर पोस्ट निकली है। वेरियस पद खाली है। 37,100 सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 42 वर्ष है। OCBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹750 एप्लीकेशन फीस है। SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹350 फीस है। सिलेक्शन की बात की जाए तो मेरिट शॉर्ट हैंड टेस्ट ओरल इंटरव्यू से इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। आंध्र प्रदेश AP जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। apihigh.courtrecruitment.com पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 21 जुलाई 2021 है। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 11 जुलाई 2021 की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप इसे किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।